स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ए जौनपुर, बी बाराबंकी, सी सहारनपुर, डी हापुड़। आंसर सी सहारनपुर। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी ने उड़ान योजना के तहत रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अगला प्रश्न: हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी मोरक्को, सी केन्या, डी मिस्र। आंसर डी मिस्र। एक्सप्लेनेशन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर मिस्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया है। मिस्र इस वर्ष काबो वर्दे के बाद ये दर्जा हासिल करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश बन गया। 2010 में मोरक्को और 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाला मिस्र पूर्वी भूमध्य क्षेत्र का तीसरा देश है। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? ए 18 से 24 अक्टूबर, बी 19 से 25 अक्टूबर, सी 20 से 26 अक्टूबर, डी 21 से 27 अक्टूबर। आंसर बी 19 से 25 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक चला। राष्ट्रीय लर्निंग वीक NLW का उद्देश्य व्यक्तिगत और सरकारी निकायों जैसे मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के भागीदारी के माध्यम से सीखने की क्षमता का विकास करना है। अगला प्रश्न: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? ए 8 जिले, बी 7 जिले, सी 6 जिले, डी 5 जिले। आंसर ए 8 जिले। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCA ने रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपए लगभग है। 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करने वाले 2 प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 313 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। अगला प्रश्न: भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, बी जस्टिस बेला त्रिवेदी, सी जस्टिस सूर्यकांत, डी जस्टिस संजीव खन्ना। आंसर डी जस्टिस संजीव खन्ना। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को CJI चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद उनका स्थान लेंगे। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? ए HDFC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बंधन बैंक। आंसर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन: अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न: किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन सेस स्थापित करने की घोषणा की है। ये सेस शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे, जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न: बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी असम। आंसर सी
गुजरात। एक्सप्लेनेशन: गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्दा वन्यजीव अभयारण्य और बर्दा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका के कपूरदी चेकपोस्ट पर किया जाएगा। द्वारका में उद्घाटन किया गया बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। अगला प्रश्न: भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. गुजरात। आंसर: सी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की सुविधा का उद्घाटन किया, जो देश की पहली निजी सैन्य विमानों की फैक्ट्री है। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न: नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ए. ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी. चिराग पासवान, सी. राजनाथ सिंह, डी. अमित शाह। आंसर: डी. अमित शाह। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस किस प्रमुख भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. महात्मा गांधी। आंसर: ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन: एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करके भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न: अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दीयों से रोशन किया गया? ए. गोदावरी, बी. गंगा, सी. सरयू, डी. यमुना। आंसर: सी. सरयू। एक्सप्लेनेशन: दीपोत्सव के दौरान 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक दीये जलाए गए। दीपोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 1,100 लोग सरयू नदी के तट पर एक विशेष आरती किया। अगला प्रश्न: देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. मेघालय, बी. असम, सी. सिक्किम, डी. उत्तराखंड। आंसर: डी. उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून, उत्तराखंड से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस पहल की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न: भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है? ए. अजेय और अमृत, बी. अदम्य और अक्षय, सी. अचल और अभिनव, डी. आकाश और अनंत। आंसर: बी. अदम्य और अक्षय। एक्सप्लेनेशन: भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित ये जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए हैं। इनका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है। अगला प्रश्न: मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. न्यूजीलैंड, डी. इंग्लैंड। आंसर: बी. ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2011 में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। उन्होंने टीम के लिए 92 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1202 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं।